पापा ने ठीक ही था ठीक, मतलब इधर ना बिल्कुल लास्ट 99% होने के बाद 1% पे वो रुक गया और काम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आज हमारा है कहीं प्लान जाने का, तो मैंने व्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर दिया और देखते हैं मेरे हस्बैंड के सब मूड पे वो क्या करेंगे। सो कल रात की पाव भाजी इतनी बच गई थी कि सब्जी मैंने सुबह नहीं बना रही हूँ भाई, बहुत बच गई हमारी। मुझे ना क्वांटिटी का फ़र्क नहीं पता था कि कितनी क्या क्वांटिटी डालनी है। अब मैं उसमें और मसाले डाल के बढ़िया कर दूँगी उसको, और मम्मी अपने घर लेके जाएगी अपने ऑफिस में यार दोस्तों के लिए अपने। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो मैं भी कभी नहीं करती, देखो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला डाल के ऐसे कर लिया, अभी देखो बिल्कुल डार्क हो गई है ना। और वैसे तो मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती, सब जा चुके हैं, बट आज मेरा एक पाव खाने का मन है भाई। मतलब ब्रेकफास्ट में पाव भाजी, डिनर में पाव भाजी, रात को पाव भाजी, इतनी अच्छी बनाई है मैंने, मुझे खुद नहीं लग रहा कि मैंने बनाई है और मैं खा सकती हूँ भाई दोनों तीनों टाइम, क्योंकि सच में मुझे तो बहुत अच्छी लगती है हमेशा से, इसीलिए मैं खाऊँगी अब दोबारा। मेरे हस्बैंड से पूछूँगी अगर वो भी खाएंगे। सुबह उठते पता क्या बोल रहे पाव भाजी बना दे, पाव भाजी उठते ही पाव भाजी बना दे, मैं पाव खाऊँगा पाव। तो मैंने बोला उठते ही, बोले हाँ, तो मैंने बनाए तो सुबह सुबह खा गए। अब तो मैं खाना देखूँ, बिल्कुल गाढ़ी है, ऐसा नहीं है पतली है, बिल्कुल गाढ़ी है, बढ़िया मज़ा आने वाला है। मैं दो खाऊंगी ब्रेकफास्ट में। वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे शूट करना है, मैंने बढ़िया सूट पहना है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं अभी तक एक बार भी, तो मैं दिखा दूँगी। पूरा दिन तो पता नहीं मैं पहनूँगी या नहीं, बट अभी मैं वही बोल रही हूँ, अगर जाने का बाहर हुआ तो नहीं पहन सकती, नहीं जाने का हुआ तो पहन लूँगी। अच्छा सूट है ये, आगे फंक्शंस भी आने वाले हैं, फंक्शन द सेंस फेस्टिवल आने वाले हैं, अब तो आ जा। ठीक है बना लेती हूँ, फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओके गाइस, तो मैंने आज ये वाली ड्रेस वेयर करी थी सुबह, नायरा कट। मेरा सुबह से इतना दिमाग ख़राब है मेरा, मतलब आप पूछो मत, मैं इस टाइम कितना स्ट्रेस में हूँ। मैं सुबह से लग रही हूँ एक काम में बहुत ज़्यादा घुस के, बट मेरे फ़ोन ने सपोर्ट नहीं किया, और मतलब इधर ना बिल्कुल लास्ट 99% होने के बाद 1% पे वो रुक गया और काम ख़राब हो गया। फिर ना मेरा कुछ दिखाने का मन किया, ना कुछ मैं खाना वाना बना लाई हूँ, ये आ गया और मेरा बिल्कुल ऐसे दिमाग ख़राब हो रखा है आज। और सुनो आप खा लो, मैं पराठे लाई हूँ, ये दिखा देती हूँ, मैंने बनाए हैं पराठे और आप खा लो प्लीज़। मैं काम करूँगी, मैं अभी नहीं खा रही ना, मेरा मन है अभी खाने का। ठीक है आप मुझे फ़ोन दे दो अपना, मैं खाना खाती हूँ, सॉरी मुझे फ़ोन देना अपना। नहीं नहीं मैं नहीं खा रही सच में, मैं अब काम करूँगी, फ़ोन दे दो मुझे। और ये पैनल पे क्यों रखा आपने बैग, पैनल पे क्यों रखा बैग, आज तो जल्दी आ गए आप, है ना। सो देखती हूँ अगर हम रात को जाएंगे तो व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी, वरना जो भी होगा मैं दिखा दूँगी। आज का व्लॉग सुबह का बहुत हैक्टिक डे है आज, बहुत सर दर्द वाला। ओके गाइस, सो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जाने वाले हैं बाहर, बट कैंसिल हो गया फिर हमारा एकदम से जाना। मैं बोल रही थी पक्का पक्का नहीं है, है ना। तो फिर ये था कि शाम को निकलते 5 बजे कि भाई बहुत लेट पहुँचेंगे, तो हम ये वाला जो हमें जाना था वो हम बाद में देखते हैं कहीं। सो आज मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो मुझे ऐसा था स्टार्ट सुबह से मेरा इतना दिमाग ख़राब है, इतना दिमाग ख़राब है मेरा, जो आज काम होना था मतलब ऐसा था 99% होने के बाद वो रुक जाता बार बार। सो मतलब मैं लैपटॉप में 5:30 तक लगी रही, मैं पूरी दोपहर नहीं सोई, मतलब मैं अपने काम में ही लगी रही, तो मेरा बहुत ऐसे अपसेट वाला काम है। हाँ अब 7 बज गए, अब मेरा सारा काम है, अब ठीक है, वरना मैं नहीं बनाती भाई आज कुछ भी, मैं ब्लॉग नहीं डालती। मैं सुबह थोड़ी सी क्लिप एडिट की, मैं हटा देती हूँ ब्लॉग्स को, मैं डालती ही नहीं क्योंकि क्या करें यार बंदा इससे ज़्यादा। और बट ठीक है अब मेरे हस्बैंड गए, अब सब कुछ फाइनल ठीक है, वो जिम चले गए हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, जैसे कि मैंने कल बनाई थी पाव भाजी, तो मेरे पास पाव रखे हैं और उनकी एक्सपायरी डेट दो दिन की है और अभी 4 पैकेट लेफ्ट है, तो मैं चाहती नहीं कि सब ख़राब हो जाए, है ना, तो मुझे कुछ कुछ बनाना पड़ेगा उसका। तो मेरे पास दो है, तो मैं आलू टिक्की बना के पाव में डाल के स्टफिंग कर दूँ अंदर की, वो भी बहुत अच्छा लगता है, या फिर वो मैंने देखा था मिक्सचर वाला आई डोंट नो कितना अच्छा लगेगा या नहीं, बट वो जो आलू टिक्की वाला है वो बेस्ट है, या फिर मैं अरबी बनाऊँ अरबी फ्राई करके। तो मैं पूछती हूँ जो जाओ बोलेगा, तो मुझे पता है आलू टिक्की बोलेंगे, मैंने आज तक बनाई भी नहीं है और कुछ नया हो जाएगा, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा, वरना मैंने सुबह से कुछ नहीं दिखाया, मैं क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ, इसलिए मैंने कुछ दिखाया भी नहीं है सुबह से। तो वही होगा एकदम रूटीन सा आ गया वापस सेम ना, तो तभी इसलिए मैं बोल रही थी अभी आलू टिक्की बनाऊँगी तो मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी, सब है मेरे पास, दही भी है और पाव भी अंदर से सिक जाएंगे, उसमें टिक्की भर दूंगी, नमकीन जो भी अंदर होता है, और मैं अपना कुछ अपना टच दे दूंगी, अपना टच देना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी। कभी भी आपने पाव आलू टिक्की के साथ नहीं खाए होंगे बट मैं खिलाऊंगी अपना टच ज़रूर दूंगी। सो चलते हैं किचन में, आज 7 बज गए हैं,
अब मैं थोड़ा ठीक लग रहा है, वरना बहुत सच में सुबह से 11 बजे ब्लॉग आया उसके बाद तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो चुका था। अब फाइनली ठीक है, चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ। मैं कैसे लग रही हूँ यार, आप लोग मुझे बताओ, कटिंग करवाने के बाद आप लोगों को मैं बहुत अलग अलग लग रही हूँ, आप लोगों को भी सेम लगती हूँ मैं आज? तो मैंने एक लक्ष्य लगाया हुआ है रबड़ नहीं की हुई, सो सही है, मुझे सही लग रहा है, मुझे बहुत अपना लुक चेंज लग रहा है। मैंने वीडियोज़ भी नहीं डाली थी, मुझे ये था ब्लॉग आने के बाद ही डालूंगी, वरना सब लोग पहले कटिंग देख लेंगे। सो चलते हैं किचन में बनाते हैं आलू टिक्की। आलू टिक्की के लिए आपको आलू तो चाहिए ही बात है, पर मैंने अनियन भी लिए। मैं स्टफिंग में अनियन डालूंगी, थोड़ा सा अलग टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। और जिनको मैंने उबाल लिया है, अब फटाफट सबके ऐसे ये छिलके निकाल देती हूँ और फिर दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, मुझे सबसे ईजी लगती है। मैं दो तरीके से बताऊँगी आपको, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगी। अगर आप पास अगर वो नहीं है तो आप वो ले लेना, और अगर आप अगर बारिश है, मौसम आने वाला या हो गई है, तो मतलब अगर स्टार्ट होगी तो बना लो भाई, झटपट बन जाएगी। और इतना मुझे तो बस ऐसा मैं खा लूँ बस जल्दी सी, बहुत हो गया बाहर का, अब घर का करेंगे हम, ठीक है? सो ट्राई करते हैं, फटाफट मैं ये निकाल देती हूँ और फिर करेंगे आगे का प्रोसेस। आलू पूरे मैश हो चुके हैं, तब तक मैं बना लेती हूँ पुदीने की चटनी। सो ग्रीन चटनी, धनिया या पुदीना जो आपके पास अवेलेबल है वो बना लेना, ठीक है? ये मैं इसके अंदर डालूंगी, पहले मैं चटनी बनाती हूँ उसके साथ, उसके बाद दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। ओके गाइस, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। देखो आलू कर लिए हैं मैश, ठीक है? इसमें डाल दो अपनी अनियन, एक साथ डाल दो या स्लो स्लो, वो आप अपना देख लेना कि आपको कैसे डालना है। सारे मिक्स करनी है अनियन भी। मैंने आज इतना बड़ा बाउल लिया था कि बड़ा बाउल लूँगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बाद में कि मैंने कुछ गलती कर दी, उस टाइम तो लगती नहीं। चलो ये डाल देते हैं सारी अनियन अपनी इसके अंदर, जितनी डालूंगी उतनी मैं गिराऊंगी भी, मैं बाद में उठा लूंगी। पर पकड़ना मम्मी एक बार कैमरा, और मम्मी लेके आई है जूस, ये रहा। और ये सबके लिए 4 गिलास बट रहे हैं, तीन ये पानी का रखा था क्या? अच्छा, तो मम्मी अभी जूस लेके आई है और पी के आई है, और 3 गिलास लेके आई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मसाले डालना स्टार्ट करते, तो इसमें कम ही मसाले डालेंगे। ग्रीन चिली आप डालना, रेड चिली वो आपका अपना है, ठीक है? तो हम डालते हैं इसमें नमक। चिली मैं सोच रही हूँ ग्रीन और हल्की हल्की रेड डालूँ, हल्का टच दे दूँगी बस, ठीक है? ये हो गया, अब आप डाल लेना इसमें काली मिर्च। थोड़ी बहुत काली मिर्च टेस्ट के लिए अच्छी रहेगी, देख थोड़ी बहुत ही है। और थोड़ा सा चाट मसाला, तो ये 3 चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ हींग वींग डालनी है अपनी तरफ से, मैं इसमें डालूंगी अभी मिर्च, तो हल्की सी मैं डालूंगी इसमें हल्की सी रेड, और मैं ग्रीन मैश करके ग्रीन डाल दूंगी, ये थोड़ा कलर आ जाएगा ना आलू में रेड रेड बाहर से, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी लाल भी डाल दी है। अब इसको करेंगे मिक्स, फिर बताती हूँ लास्ट में क्या डालेंगे, ठीक है? देखो अब इसमें मैं 2 चीज़ें सिखाती हूँ आपको, देखो 2 चीज़ें सिखाती हूँ मैं आपको। पहले कॉर्नफ्लावर, अगर आपके पास मार्केट है आसपास, आप कॉर्नफ्लावर ला सकते हो तो कॉर्नफ्लावर लाना, और कॉर्नफ्लावर नहीं ला सकते तो ब्रेड का पैकेट तो वाइट सबके घरों में मिलता है, सबके वहाँ पे, तो 5 रुपए का 10 रुपए का ले आना। ब्रेड का जो ब्रेड होता है उसको ऐसे बिल्कुल बिल्कुल उसका बुरा कर देना, बुरा, ठीक है? या फिर मिक्सी में उसको तोड़ के और मिक्सर घुमा देना, बिल्कुल बुरा हो जाएगा वो, बुरा इन द सेंस बिल्कुल पेस्ट बरादा हो जाएगा वो, हाँ। फिर उसको इसमें डाल देना, तो ब्रेड वाला आप लोग कर सकते हो, ब्रेड मेरे पास भी है बट मेरे पास कॉर्नफ्लावर, तो मैं कॉर्नफ्लावर लूंगी, ठीक है? दोनों चीज़ों में से आप दोनों, मैं इसलिए बता दूँ कि काफ़ी सारे लोग ऐसे इसके घर में कॉर्नफ्लावर, क्योंकि ये होता भी नहीं है भाई किसी घर में, कोई ले आए तो ठीक है वरना तो नहीं होता, इसीलिए आप ब्रेड डाल देना, ब्रेड से बढ़िया बनेगा। लास्ट में हम ये डाल रहे, इससे बहुत क्रंच आएगा, आपको पता है मैंने डाला था ये फ्राइड राइस में, तो उसके बाद फ्राइड राइस क्या बढ़िया क्रंची बने थे, तो सारा का सारा क्रंच जितना भी हमारी टिक्की को देगा वो देगा कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम ऐसे पैकेट में भी आता है, लेकिन अगर आप वैसे मत करना, अपने घर में बना लेना, घर की बनी हुई चीज़ ऐसे ज़्यादा हेल्दी होती है बाहर से। अब हम इसका अच्छा डो बना देंगे वापस से, बढ़िया तरीके से पूरे आलू में मैश कर देंगे। और ये जो मेरी टिक्की है सिर्फ आलू की नहीं है, इसमें क्या है और अनियन। बस इसको मैश करना है, उसके बाद हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे। जितना आप अपने हाथों को अच्छा इस्तेमाल करो, ये मत सोचना क्या है, स्पून से कभी मिक्स नहीं होगा, हमेशा हाथों का इस्तेमाल करो इन सब चीज़ों में, क्योंकि हमें तो खाना है, और कौन से हमारे हाथ ख़राब है, किचन में लग रहे तो हाथ तो साफ ही है, 10 बार तो किचन में हाथ धोते हैं। अब मैंने पहले छीले तो धोए, फोड़े तो धोए, मैश करे तो धोए, प्याज काटे तो धोए, कितनी बार तो हाथ धोते हैं, हाथ खराब नहीं हो सकते। तो मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ, फिर बनाएंगे हम आलू टिक्की।
शुरू करते हैं अपनी आलू टिक्की। तो ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। तो फटाफट मैं पहले 5-7 बनाऊंगी, फिर पैन पे 5-7 करूंगी, फिर और। तो दो तरीके से बनाएंगे, एक तो टिक्की बनाएंगे, एक इसके बीच में बन लगा के, बन के बीच में ये रख के। तो दो तरीके से देंगे, जिसको जो अच्छा लगेगा वो खा लो। स्टार्ट करते हैं। सब रेडी है, मैं दिखा देती हूँ एक बार फाइनल, फिर बनाना स्टार्ट करिए। देखो ये है 6 टिक्की, पैन पे मेरी 6 आ जाएगी, इसलिए मैं 5 या 6 रखूंगी एक बार में। मैंने बन काट दिए बीच से, यहाँ पे एक तरफ केचप और सॉस लगा के बीच में रख दूंगी टिक्की सेक के। ठीक है, यहाँ ये हो गई पुदीने की चटनी, दही डालिए क्योंकि ये धनी से अच्छी लगती है दही के साथ। ये है केचप और आलू भुजिया डालने के लिए नमकीन के ऊपर हल्की सी। और ये हो गई हमारी दही, से मैंने हल्की सी काली मिर्च नमक डाली है। ओके गाइस, तो हो गया है हमारा सारा काम। फाइनल मैं बता दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने लिया है। ये है 6 टिक्की, हाथ लग गए मेरे तो मुंह पे। 6 टिक्की बन देख, मैंने ऐसे ही भी काट दिए, कोई ऐसे दे दूंगी किसी को, और मैंने फिर ऐसे काट दिया है। ठीक है, हल्का सेक के अंदर टिक्की और सॉस लगा देंगे। ये हो गई है दही, से मैंने डाली काली मिर्च नमक, और ये है चटनी, ये केचप और आलू भुजिया ऊपर डालने के लिए। ठीक है, ये तो ये है हमारा सारा ताम अंजाम। हो गया है पैन गर्म, हम बनाएंगे टोटल घी में, आप तेल में जहाँ भी जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप भाई उसमें बना लेना, बट मैं बना रही हूँ घी में। घी की टिक्की ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, लग रहा है ऑयल से, और सबका अपना है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ऑयल, मेरा जल गया भाई, मेरा मुँह जल गया, मैंने मुँह काटी थी। हाँ, ठीक है, हल्का सा गर्म होने के बाद हम इसमें अपनी टिक्की रखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 4-5 शुरुआत में ऐसे ऐसे रखूंगी। ये बहुत इजी से बन गई, आई थिंक कॉर्नफ्लावर से तो ये बिल्कुल फटी नहीं, ना मैंने घी लगाया हाथों पे, ना मैंने कुछ किया, मैंने नॉर्मल किया और नॉर्मल में ही ये हो गए हैं। ठीक है, चलो रख देते हैं। अगर आपको लगे घी की कम है तो ऐसे देखो पैन को ऐसे घुमा लो, घी पूरे में वापस आ जाएगा। ठीक है, बारिश के मौसम में टिक्की ना खाओ तो फिर क्या ही खाओ, गरम गरम टिक्की तो खानी ही चाहिए। लो फ्लेम कर देते वरना स्टार्टिंग वाली जल जाएगी। चलो 5 करते पहले। ठीक है, हल्का हल्का इनको घुमाते रहो, अगर आपको लग रहा है कोई मोटी है तो हल्का प्रेस कर दो, थोड़ी सी ये चौड़ी हो जाएगी। जहाँ पे लग रहा है कि घी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तो हल्का हल्का डाल दो, फिर पैन को ऐसे घुमाओगे ना तो पूरे में घी आ जाएगा। देखो घी घूमता रहेगा, घी को घुमाओ नीचे नीचे, थोड़ी देर पकने दो। देखो बाहर देखो कैसे कैसे चिल्ला रही है, मुझे गुस्सा आता है। फिर अभी मैं हल्का सा दिखाती हूँ आपको कितनी देर में कितना हुआ है, मुझे लगता नहीं है होगा इतनी जल्दी। जब मैं जब दिखाऊँ पलटूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि कैसा बना है। हो तो भाई है ना, कॉर्नफ्लावर का ही है सारा जो भी है, वरना वैसे सिंपल आलू टूट जाते हैं, बनेंगे भी नहीं कभी, कॉर्नफ्लावर के साथ ही बनेगा। वाह क्या स्वाद लग रहा है, और अगर लग रहा हो तो भी दोबारा दोबारा भी सेक लेना एक तरफ, बढ़िया है। ये देखना हमारा क्या ताम जाम बढ़िया लग रहा है एकदम, नमकीन भी खोल दिए मैंने। और पापा और पापा के दोस्त आए हैं, उनके लिए हमने पापा के लिए, पापा के दोस्त के लिए 2 प्लेट रखती है, पापा की बेस्ट फ्रेंड है ना मम्मी, तो आज पापा के बेस्ट फ्रेंड से वीडियो लेंगे, है ना। वो भी तो देखे, फिर वो सोचेंगे हमारे बहू ही ऐसे आए पर कटी ये बाल कटी हुई मतलब कोई सोच लेते हैं ऐसे तो, नॉर्मल पर भी पापा को सोच सकते हैं ऐसे तो, हमारी छोटी ऐसी आए जैसे हमारी बड़ी है। सही बात, अपनी बड़ाई करो कैसे भी अपनी बड़ाई हमेशा करो, हमेशा करते रहो, खुद को किसी से कम मत समझो, चाहे तुम्हारे भी कितने बाल छोटे हो अब तो मैं तेज कर रही हूँ, जैसे हो गया है एक बार पलटूंगी फिर प्लेटिंग करूंगी और आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये है हमारा टिक्की का फाइनल लुक, इस तरफ पलट पलट के सब कुछ करके। ठीक है, तो मैं प्लेटिंग करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे क्या प्लेटिंग होगी। बाकी हम करेंगे प्लेटिंग पापा की और पापा की फ्रेंड की, जो हमारे घर आ जाए सही टाइम पे, सही मौके पे आए हैं पापा की फ्रेंड। देखो दोनों तरफ से हो गए, तो हम देंगे पापा की फ्रेंड को, पापा को 2 टिक्की। रो गया, क्लिक कर दो, हो गया। देखो दोनों तरफ से क्रिस्पी है, मत सोचना यहाँ आपको टिक्की टिक्की की प्लेट दिखेगी फिर। अब देखो सिर्फ टिक्की टिक्की की प्लेट दिखेगी, है ना।
हो गई। अब डालते हैं फटाफट अपना सामान। फिर डालेंगे दही। वाह है मम्मी, आप लगता होगा भैया तुम जादू। मुझे शादी करके क्या सीखा खाना बनाना। मैं मम्मी पहले ऐसे लड़ी जो शादी के बाद भी बनाना नहीं सीखा, वरना सब मुँह बनाना सीखते हैं शादी के बाद, है ना। मम्मी कही कुछ भी बोलने बस जल्दी देते बस तू खुआ दे जल्दी जल्दी। आ गई मजे। ये हो गई हमारी प्लेट। हल्का सा डाल देते हैं इसके ऊपर चाट मसाला। अभी फिलहाल पापा की बहुत देर, मम्मी चटनी वटनी जब चाहिए पापा को अंकल को तो ले लेंगे, क्योंकि हम तो अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं ना। वाह ये हो गई है। अब डालते हैं लास्ट थोड़ी दही। नहीं सही है, दो टिक्की में दो चम्मच बिल्कुल सही। मेरे घर आई एक नई परी। परी नहीं हूँ मैं, शेफ हूँ। शेफ नहीं है तो शेफ नहीं। अभी पापा को और अंकल को टेस्ट कराना ठीक है। अंकल आ जाओ मेरे। रुक पकड़ बैठ। आप जाओ मेरे। जो आप जाओ। मम्मी रिव्यू लेगी ना। अरे मैं नहीं हूँ रिव्यू। पापा मुश्किल पाओगा ही मैं। पापा आलू पनीर टेस्ट दे देंगे बस। हम तो बात करेंगे। ट्यूब बंद कर दे बस। ना जड़ा जड़ा क्यों भाई। पापा ने सारी चीज स्वाद लागे अंकल बताऊंगे। हाँ जी बढ़िया है। आज फिर पास होगी तू। हेलो लो आज फिर पास हो गई तुम। आज फिर बढ़िया बन रही है। हाँ बढ़िया एकदम। हाँ लो भाई नहीं यूट्यूब पर मत दे। हमारा चाचा चल रहा है। तुमसी गुलाब भी क्यों हो रही है? आज ही लग रही है क्या? हाँ गुलाब किस चीज का? सही है सही है। अरे बन क्या दिल्ली कार्ड दिए ना कर लेंगे। कर दो बंद वीडियो में रुक जा। बढ़िया बढ़िया। प्लेट लो हाथ में। एक फोटो को कर खींचो या तो वीडियो बनाओ। साइड में फोटो का ऑप्शन है। अब ये रिव्यू देंगे हमारे सामने। कहीं नहीं जाओगे आप? बाहर निकलेंगे। पापा ने तुम दोस्त साथ खा ली तो फिर ये लेंगे बेलने में। क्या है बेला ही है ना ये? तीन टिक्की तो तीन चम्मच टिक्की के अकॉर्डिंग मिल रही है सबको दही। हाँ और टिक्की मिल जाएगी। ये नहीं है कि और नहीं मिलेगी। तो हिमांशु को तो मीठा मीठा पसंद है ना। हाँ जी मम्मी और बता दो। आप बता दो पेंटिंग कर दी ना स्किन पर। बस बस उसको और बटा लिया मैं छोड़ दूँ चल डाल दें। देखिए नहीं है ये तो नमकीन हमने छुपा के रख दी थी। क्यों ये तो आप चाहते नमकीन ही खा रहे थे वरना टिक्की बच जाती और नमकीन रह जाती। ठीक है इसके लिए दिखा दो थोड़ी सी। नहीं यहीं पे टेस्ट करो यहीं पे। मैं बड़ी आराम और बता दी बस दिखा बेटे मैं अपने आप डाल दूँ। चाट मसाले का टेस्ट थोड़ी लेना है फिर आपको। अरे
स्वाद अनुसार डाल रहा हूँ ना बस बस अरे इसके भी खत्म भर के और डाल लेना बाद में पहले आप टेस्ट कर लो ठीक है मैं तो खुद ही खोस के खाने को मन कर रहा है खोस के खाने का जी चोल के दे दे एक काम करो पापा वे रुपये ले लीजिएगा 50,000 रुपये हमारा टिक्की का ठेला लगा ले क्यों भाई तुम क्या 50,000 क्या आएगा थोड़ी आवाज नहीं मैं बनाऊंगी वहाँ खड़े की टिक्की मैं बनाऊंगा मैं मिलाऊंगा बढ़िया बन रही सही मुझे भी दे दो ले दो ये टिक्की है ना अपने सब बढ़िया होता है यार वैसे पर मैंने बहुत बढ़िया लगी मैं खा लूँगी इसने थोड़ा सा क्रंच कर देती हूँ नहीं पता क्या दही वही है ना मेरी बहुत अच्छी है और ये मेरी और मेरे हस्बैंड की दोबारा इनको अच्छी लगी और मैंने तो 3-4 बना के रख दिए थोड़ा सा थोड़ी सी दही बस मेरे रात को खानी हो तो बता देना मैं थोड़ी छोड़ आई आपके लिए ठीक है एंड क्यों फिर मैं छोड़ूंगी तो कौन छोड़े खा ले बेचारे देख सूख के काटा हो गई कामल आंटी बोल रही बहुत पतले हो गए हो आप तो कामल आंटी मगर नहीं आंटी मैं कहां से पतली लग रही हूं 40 किलो की आई थी 75 की हुई है बेचारी पतली हो गई ओके तो टेस्ट टाइम 8 रोटी खावे के टाइम में बेचारी पतली बहुत बढ़िया नेक्स्ट टाइम अनियन का जो टेस्ट आ रहा है ना लास्ट में वेरा की है अगली बार वेरा की करेंगे अनियन का जो टेस्ट आ गया उसके बाद हम परोर भी डाल लेंगे अनियन हाँ यार पता है ना अचानक प्लान बनता है मेरा तो 7 बजे सोचा 7 बजे कि मैं बनाना क्या है मेरा सुबह से दिमाग खराब हो रहा था मेरा काम नहीं हो रहा था काम नहीं हो रहा था मेरा सुबह तो उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये बनाना है ठीक है तो अब हम खा लेते हैं फिर मिलेंगे बढ़िया बेस्ट अब क्या बनाऊँ मैं जो आप चाहते हो खाना मेरे हाथों का नहीं दिमाग में आ रहा कुछ भी ऐसा सब कुछ नहीं कुछ तो ऐसा होगा जो मैंने नहीं खिलाया आपने किसके चिल्ले मैंने जितने आपको खोए थे मैंने खुद भी ना खाए कभी बताओ जल्दी सब्जी या फिर कुछ ऐसा रोटी में कुछ अलग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट 7 महीने में सब खिला दिया मैंने आपको तब तो बड्डी सर्दी बना दी मैंने आपकी क्या बड्डी सर्दी ओके तो मैं खा लेती हूँ आप तो ओके गाइस टाइम टू से गुड नाइट आज का व्लॉग करते हैं यहीं खत्म आई नो कि आप लोगों को भी 2 दिन से बढ़िया देखने को मिल रहा है जैसे कि मैं घर थी तो मैंने कुछ बनाया नहीं था लेकिन अब मैं बनाऊंगी तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि बताओ क्या बनाऊं ठीक है अब आप लोग मुझे कमेंट करना कि आप लोगों को क्या चाहिए कुछ सब्जी में एक्सपेरिमेंट या फिर रोटी में कुछ अलग जो भी आप लोगों को चाहिए ना मुझे कमेंट करना फिर मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वो बनाने की तो टिक्की थी बहुत बढ़िया मेरा तो ऐसा मन कर रहा है मैं और भी खा लूँ तो मैं खा भी लूँगी ऐसी बात है नहीं तो आज का ब्लॉग करते हैं यही खत्म एक फिर मिलेंगे एक दमदार रेसिपी के साथ तब तक स्टे ट्यून स्टे हैप्पी स्टे सेफ गुड नाइट गाइज सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग